कैसे हैं सरकार, मैं हूं आपका अपना यार, बड़ों को सलाम छोटों को प्यार, उपस्थित हूं आपके सामने फिर एक बार। इस बार मैं आपके लिए लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल। कहते हैं अगर उत्तर प्रदेश नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, और अगर इंडिया नहीं देखा तो कछु नहीं देखा। ताजमहल। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल आगरा का ताजमहल उत्तर प्रदेश में ही नहीं संसार में प्रसिद्ध है। ताजमहल हर रोज सुबह 6 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुलता है। वहीं अगर आप चांदनी रात में ताजमहल को देखना चाहते हैं तो शाम 8:30 बजे से 12:30 बजे तक प्रवेश रहता है। बुलंद दरवाजा। आगरा जिले में ही फतेहपुर सीकरी है, जिसका अर्थ है विजय। शहर के निर्माण का उद्देश्य सूफी संत सलीम चिश्ती के सम्मान में अकबर ने करवाया था। यह भी एक प्रमुख पर्यटक स्थल। अब बात करते हैं वाराणसी की। अगर आप यहां आते हैं तो यहां के घाटों को देखना ना भूलें। प्रयाग घाट, अस्सी घाट और मणिकर्णिका घाट ऐसे हैं जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए। हर शाम को होने वाली गंगा आरती को देखना तो बिल्कुल ही ना भूलें। कतरनिया घाट। अगर आप प्रकृति से जुड़ना चाहते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में जरूर जाना चाहिए। यहाँ स्थित कतरनिया वन्य जीव अभयारण्य बेहद खूबसूरत जगह मानी जाती है। संगम। उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद जिला हाई कोर्ट और विश्वविद्यालय से ज्यादा अपने 2 नदियों के संगम के लिए मशहूर है। यहाँ यमुना और गंगा का संगम होता है। हिंदुओं के लिए यह बेहद धार्मिक स्थल है। इसके अलावा भी देश विदेश से लाखों पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। परीक्षा बांध। झांसी के निकट बेतवा नदी पर बना परीक्षा बांध एक विशाल बांध है। यह बांध झांसी में पेयजल एवं कृषि कार्य हेतु जल का मुख्य स्रोत है। आप यहाँ के शानदार प्राकृतिक दृश्य का आनंद उठा सकते हैं और उसकी यादों को अपने दिल और दिमाग पर समेट कर ले जा सकते हैं। महामकोल चाई थाई मोनेस्ट्री। भगवान बुद्ध का जुड़ाव सारस्वती से रहा है। उत्तर प्रदेश के सारस्वती जिले में महामकोल चाई थाई मोनेस्ट्री है। आपको बता दूं, यह जितनी घूमने के लिए अच्छी है उतनी ही शांति वाली जगह है। ध्यान लगाने वाले बौद्ध भिक्षु देश विदेश से यहाँ आते हैं। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, गुड बाय अगली वीडियो तक के लिए। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।